मनरेगा कर्मी लगातार 15 वर्षों से सरकार के दिए दायित्वों को सफलतापूर्वक पंचायत प्रखंड स्तर पर निर्वाहित कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद भी सरकार हम लोगों के न तो मानदेय में वृद्धि कर रही है, ना हम लोग को स्थायीकरण कर रही है, जिसके चलते बाध्य होकर हम लोग समय समय पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं। पुनः उसको हम लोग आज माननीय सांसद महोदय के पास अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जब हम लोग 15 साल से कार्य कर रहे हैं तो हम लोग को स्थायीकरण का लाभ दिया जाए, हम लोग को वेतन मान दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग कम मानदेय में अपने पंचायत प्रखंड से 60-60 किलोमीटर दूर जा करके कार्य कर रहे हैं, जिससे हम लोग को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में पब्लिक को भी सही समय पर सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं हम लोग को अपने अपने गृह प्रखंड में वापसी किया जाए, ताकि हम लोग 24 घंटा अपना जनता का सेवा कर सकें, मजदूरों के हित में कार्य कर सकें। अच्छा, इसी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री जी भी हैं जी, आप कैबिनेट मंत्री के पास कभी ये प्रस्ताव रखे हैं, आप लोगों ने मांग पत्र रखा है कभी? मंत्री जी को भी हम लोग पूर्व में आवेदन दिए थे कि हम लोगों को अपने पंचायत में वापस करवाया जाए। इस पर क्या ध्यान दिए मंत्री जी, कभी आप लोगों ने जानकारी लिया? अभी तक तो हम लोग यहाँ यथावत बने हुए हैं, तो इस पर हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर हम लोग मंत्री जी से भी मिलेंगे। उनके तरफ से कोई आश्वासन मिला था उस समय? उस समय तो ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया गया था। क्या लगता है, इस क्षेत्र के मंत्री हैं, आप लोगों के मांग पूरा करेंगे? 4.5 साल तो बीत चुका है, अभी तक तो मांग पूरा नहीं हुआ। अब 6 महीने में अगर हो जाता है तो ठीक है। आज सांसद महोदय से मिलने हैं, आश्वासन क्या मिला इनको द्वारा? सांसद महोदय से हम लोग तो पहली बार मिलने आए हैं, और सांसद महोदय सांसद कम हमारे घर के ज़्यादा हैं, तो हम लोग को इनसे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग का काम 100% होना ही है। मांग तो जो मेरे पास मांग पत्र है, जिससे मैं इनका मांग है, मैं उसको देख रहा हूँ, लगभग सही मांग है, बिल्कुल इनका सेवा शर्त का एक नियमावली होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ कार्य कर रहा है तो उसका परिवार उस पर निर्भर है, वो स्वयं काम कर रहा है, तो अपेक्षा तो आपसे रखेगा भाई, अब 10-15 साल से काम करें, हमारा कम से कम स्थायीकरण है, स्वाभाविक है, मांग तो जरूरत नहीं है। दूसरा बात है कि आप ये है, चतरा ब्लॉक के रहने वाले उनको प्रतापपुर कर दे, प्रतापपुर को आप मजबूरन कर दे रहे हैं, इतनी दूरी तय करेंगे, 12,000 तनख्वाह आप देते हैं, उसके अंदर में इनका कितना व्यवस्था फैलेगा, समय पर काम ये नहीं कर पाएंगे, प्रखंड कार्यालय को जाएंगे, पंचायत को जाएंगे, पब्लिक सेक्टर में जहाँ ये काम करते हैं उनको लेबर है। सरकार को आप भी लिखिए भाई, मुझे मिला है और मैं कहूँगा इनको होम ब्लॉक में आप इनको ट्रांसफर करिए। माननीय मंत्रियों जी से मैं कहूँगा कि भाई आप सरकार है, ऑर्डर दीजिए, आप डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का श्रम विभाग है, श्रमिक विभाग से लोग रिलेटेड है, हम तो उनसे आग्रह करेंगे और मेरी जितनी क्षमता है मैं संपूर्ण उपयोग करूँगा उपायुक्त महोदय से मांगने के लिए इनके पक्ष।